ध्यान क्या है और ध्यान की आवश्यकता क्यों है, ध्यान से लाभ क्या होगा, कल रात्रि की सभा में मैंने कहा था ध्यान का पहला अर्थ है या ध्यान की शुरुआत है मन की एकाग्रता। एकाग्र एक अग्र एक का तो एक ही है अकेला अग्र आगे सामने मन के सामने केवल एक विषय का होना मन का एक ही बात में एक ही काम में स्थिर हो जाना डूब जाना ये एकाग्र होना है। सामान्यतः हमारा मन क्षण क्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है, एक विषय में एक काम में स्थिर नहीं रहता और ये मन का स्थिर न रहना इसी को हम मन की चंचलता कहते हैं। यही आदमी के मन की पीड़ा का कारण है। अभ्यास से ये होगा। अभी जब हमने कहा था कि बस सांस आ रही है जा रही है इसको देखने के लिए, तो सिर्फ मन के सामने एक विषय रखने के लिए जब मन के सामने कोई एक विषय होता है तब हम वर्तमान में होते हैं। और जो आदमी वर्तमान में होता है वर्तमान में जीता है उसके मन में कोई क्लेश नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। वर्तमान में जीने वाला आदमी कभी मानसिक दुखों से परेशान नहीं हो सकता, चिंता तनाव उद्वेग उत्तेजना कलह इन सब का कारण है वर्तमान में न रहना वर्तमान में न जीना। ध्यान वर्तमान में जीना है। एक उदाहरण से समझें, जैसे आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी है, आपने चाबी लगाई या बटन दबाया,
आपकी गाड़ी चालू हो गई, इंजन से गाड़ी चालू होने की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी गाड़ी न्यूट्रल गियर पर है, गाड़ी आगे जाएगी या पीछे जाएगी? एक्सलेटर आप ले रहे हो, गाड़ी न्यूट्रल गियर पर है, जितना एक्सलेटर लेगो उतनी आवाज तेज आएगी, लेकिन गाड़ी जाएगी कहाँ, आगे या पीछे? न आगे न पीछे, गाड़ी जहां की तहां रहेगी। जब आप रिवर्स गियर लगा दोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। पहला दूसरा गियर लगाओगे गाड़ी आगे की ओर जाएगी, लेकिन न्यूट्रल गियर पर गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। मन का न्यूट्रल गियर पर रहना ये ध्यान है। अब बीती बातों को मत सोचो, कौन चिंता होगी? अब मन सोचता है वहाँ गया था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये काम बिगाड़ दिया था, ऐसा हो गया था, वैसा। हमेशा भूत की याद में हमारा मन डूबा रहता है। हर आदमी भूत बाधा से पीड़ित है। ये भूत बाधा वो भूत प्रेत नहीं है जो हम कल्पना करके मान लेते हैं, किसी भूत पकड़ लिया या प्रेत पकड़ लिया, वो भूत प्रेत नहीं, वो तो काल्पनिक है। भूत मतलब बीता समय। पत्नी ने मुझे ऐसा कहा था, पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, पति ने मेरी बात नहीं, पति ने मुझे ऐसा कहा था, बहू ने कह दिया मुझे, बेटा ने कह दिया, जिस भाई पर मैं इतना विश्वास कर रहा था उस भाई ने मुझे धोखा दिया, जिस मित्र पर मुझे अटूट विश्वास था उस मित्र ने मुझे धोखा दिया और मेरी सहायता नहीं की, ऐसे और कुछ ले लो। अमुक जगह गया था वहाँ मेरा अपमान हो गया था। जितनी पुरानी बात सोचोगे उतने आपको भूत बाधा लगती चली जाएगी और मन पीड़ित रहेगा, उत्तेजना में भरा रहेगा और इन बातों को लेकर आपके मन में क्रोध आएगा। परिणाम क्या होगा? परेशान होते रहोगे। तो रिवर्स गियर लगा रहे हो आप पुरानी बातों को सोच कर। अधिकतम लोग पुरानी बात, और पुरानी बातें जितनी है मुर्दा है। मुर्दे को कब्र से निकाल कर जितना देखोगे मुर्दा केवल सड़ेगा, उससे दुर्गंध आएगी और बीमारी फैलेगी। मुर्दा को आपने दफना दिया एक बार, अब उस कब्र से निकाल कर देखने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें मुर्दा है, बीती हुई बातें, और उन्हीं मुर्दा बातों का खजाना लिए हम घूम रहे हैं। कोई प्रेरणा लेना हो, सावधानी रखनी हो तो उसकी याद कर लो, बाकी याद करने की आवश्यकता क्या है? या आपने पहला दूसरा गियर लगा लिया, आगे क्या होगा, वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे लोग मिलेंगे, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, आगे की कल्पना, भूत की स्मृति, स्मरण, याद, ये सब भूत के होते हैं, उनको बैठा दो। कल्पना भविष्य की होती है, और दोनों पीड़ा के कारण बनते हैं। वर्तमान में रहो, अभी वर्तमान में
जो भी काम कर रहे हो सारा फोकस उसी काम पर रखो, सारी एनर्जी उसी काम पर लगा दो। सफलता क्यों नहीं मिलेगी काम में? काम कर रहे हो या तो पुरानी बातों को सोच रहे हो या आगे कल्पना कर रहे हो, एनर्जी आपकी बह रही है, नष्ट हो रही है। सफलता कहां से मिलेगी आपको? ध्यान में, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना। और केवल यहां जब ये हम एक ट्रेनिंग पीरियड हमारा उसी पर नहीं, कभी भी कहीं भी वर्तमान में जीने वाला आदमी कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुख वर्तमान में नहीं होता। दुख या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है। तो ध्यान का पहला अर्थ मन की एकाग्रता। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना। ध्यान का अर्थ है ऊर्जा का संचयन। हम कुछ भी करते हैं रास्ता चलते हैं, काम धाम करते हैं और कुछ ऐसे से करते हैं, हमारी कैलोरी खत्म होती चली जाती है रोज रोज, शरीर की ऊर्जा गलती जाती है, कम होती चली जाती है। और उससे ज्यादा हमारे शरीर की ऊर्जा सबसे ज्यादा खपत होती है नकारात्मक चिंतन में, व्यर्थ बातों को सोचते रहने में। व्यर्थ बातों को सोचना बंद कर दें, नकारात्मक बातों को सोचना बंद करें, ऊर्जा का अपव्यय नहीं होगा। और ध्यान में तो ना नकारात्मक सोच है ना सकारात्मक सोच है। ध्यान करते कुछ ना सोचना, आगे आएगा। जब हम सोचते हैं तब हमारी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट होती रहती है। बैठे कुछ भी नहीं है लेकिन सोच तो रहे हैं ना, शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं किंतु मन से तो कर रहे हैं। शरीर का काम करना, शरीर से काम करना उतना नहीं थकाता है जितना आदमी बैठे बैठे नकारात्मक बातों को सोचता है या व्यर्थ बातों को सोचता है, कल्पना करता रहता है, ये सब थकाता है। जब हमारा मन एकाग्र है, शांत है, तो न शरीर थकेगा न मन थकेगा, शरीर स्फूर्तिवान बना रहेगा, स्फूर्ति रहेगी हमेशा, क्योंकि हमारी ऊर्जा संचित होती चली जा रही है, खपत नहीं हो रही है। और जब ऊर्जा का संचयन होता है, शक्ति बचती है, तो आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण में तो बिखरी होती शक्ति, लेकिन केंद्रीकरण में संचित रहती। और एक उदाहरण से बात समझी जा सकती, बहुत लोग जानते हैं,
मई जून या बैसाख जेठ का महीना है, बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है, पेड़ पौधे झुलस जैसे जाते हैं, रास्ता चलने में बड़ी कठिनाइयां होती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सूरज की किरणों से, सूरज के ताप से कहीं आग नहीं लगती है, और वही सूरज जो बैसाख जेठ के महीने में एकदम आग उगलता है, 9-10 बजे के समय भी हम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते गर्मी के मारे। दिसंबर जनवरी के महीने में क्या होता है, बड़ी प्यारी लगती है धूप, खलती नहीं है। 9-10 बजे समय हम कहीं जनवरी दिसंबर के महीने में धूप में बैठे, कोई आकर खड़ा हो जाए सामने छाया तो कहता है, अरे भाई धूप क्यों रोक रहे हो। उसमें धूप तेज नहीं होती, लेकिन सूरज के जो किरणें हैं, कहीं आग तो लगी नहीं उससे, लेकिन उसी किरण को एक विशेष ग्लास के द्वारा एक जगह पर केंद्रित करो, मिनट भर में आग लग जाएगी, क्योंकि शक्ति केंद्रित हो गई उसकी। बस ये उदाहरण है एक समझने। ऐसे ही हमारी जो शक्ति है विकेंद्रित है, बिखरी हुई है, ध्यान उस विकेंद्रित शक्ति का केंद्रीकरण है। फिर उसको आप पढ़ाई लिखाई में, काव्य में, कला में, कौशल में या अन्य और में, साधना में, भक्ति में, जहां कहीं यूज करना चाहो कर सकते हो। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो भी बड़े साधक होते हैं, सबसे अकेले हट करके एकांत किसी प्रयोगशाला में कितनी एकाग्रता से काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मन बिखरा हुआ होता, भटकता रहता, चंचल होता, तो इतनी बड़ी बड़ी और अद्भुत अद्भुत खोज कर पाते। बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि, जिनकी कविता सुन करके हमारा मन मगन हो जाता है, जिस समय कविता लिखते हैं कितना उनका मन एकाग्र रहता है। जितना मन एकाग्र रहेगा बढ़िया से बढ़िया लेख लिख सकोगे। किसी एकाग्र मन से कोई काम करो, खेलने कूदने का काम हो, लिखने पढ़ने का काम हो, या कुछ और हो, हर काम बढ़िया बनेगा, क्योंकि शक्ति केंद्रित रहेगी आपकी। और जब बेकार बातें नहीं सोचोगे, अनावश्यक चिंतन मन में नहीं हो रहा है, बीती बातों का स्मरण नहीं है मन में, आगे की कल्पना नहीं है मन में, तो हर समय मन में प्रसन्नता रहेगी। तब जीवन को भरपूर रूप से जिया जा सकेगा। बीती बातों का चिंतन करने वाला आदमी जीवन को जीता नहीं, घसीटता है। या चिंता फिक्र कल्पना में डूबा हुआ आदमी, वो भी जीवन कहाँ जीता, घसीटता है। जिसका मन एकाग्र है, शांत है, संतुलित है, संयत है, वही व्यक्ति प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता से जीवन को जीता है, जीवन का आनंद लेता है।
तो ध्यान की आवश्यकता हर क्षेत्र में, और यदि मन एकाग्र है, व्यर्थ चिंतन मन में नहीं है आपको, जितना आप मन को संयमित रखोगे, जितना मन को आप एकाग्र रखोगे, ना आपको डायबिटीज की बीमारी होगी, ना बीपी होगी, ना आपको हार्ट अटैक की बीमारी होगी, और ना मानसिक रोग तो होगा ही नहीं आपको। और जितना नकारात्मक सोचोगे, खान पान का भी असर होता है, हेरिडिटी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे अनेक बीमारी का कारण अनावश्यक चिंतन, नकारात्मक चिंतन, मन का दुरुपयोग, ध्यान सबसे बचाता है हमको। इसलिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान अपने में होना, अपना क्या है, ये पता ही नहीं है। ये हमारा शरीर, ये हमारा है, हम नहीं है। शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं, और मैं और मेरे में बड़ा अंतर होता है। मेरा मुझसे सदैव अलग होता है, और मैं खुद होता हूं, अपने में होता हूं। मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। ऐसा आप ले लो तो शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर एक दिन जन्मा है और एक दिन मर जाएगा, किंतु मैं इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के नहीं रहने पर भी रहूंगा। मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मौत नहीं होती। क्योंकि मैं कहने वाला उसे हम जी कहें, चेतन कहें या आत्मा कहें, उसे आप राम कहो, उसे आप ईश्वर परमात्मा कह लो, जिस शब्द से याद करना चाहो, जिस शब्द से आपको संतोष हो, उस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। शब्दों में अटकने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों के भाव को समझने की आवश्यकता है। तो मैं मुझसे, जो मेरा मुझसे सदैव अलग होता है, और हमारा मन जितना चंचल रहता है, भटकता रहता है, अनेक बातों में उलझा रहता है, उतना हम अपने आप से दूर होते हैं। और मन जब संयत हो जाता है, संयत होने के साथ साथ निर्मल हो जाता है, मन सोचना बंद कर देता है, तब हम अपने आप में होते हैं। इसलिए कहा गया है ध्यान, अंतिम ध्यान क्या है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना। निर्विषय होने का अर्थ स्मरण रहित, चिंतन रहित, संकल्प रहित, कल्पना रहित, शांत स्थिर। जब हमारे मन में कोई चिंतन होता है,
किसी का स्मरण या ख्याल होता है तब हम उस वस्तु से या व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। और जिस समय उसकी याद नहीं है वो वस्तु या व्यक्ति पास में होते हुए भी हम उससे अलग होते हैं। स्मरण, स्मरण कहो, चिंतन कहो, याद कहो, ख्याल कहो, सब एक ही है। ये स्मरण ही हमको दुनिया से जोड़ता है और स्मरणों के प्रवाह में बहकर हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं और दूर होते होते इतना दूर हो जाते हैं कि अपने आत्मस्तित्व को, मैं को, खुद को हम भूल जाते हैं और अपने को जो भूल गया उसे भटकने के अलावा और दुखी होने के अलावा और क्या है उसके पास फिर। भटकने वाला आदमी शांत नहीं हो सकता। ये बाहर का भटकाव नहीं, भीतर का भटकाव। ध्यान भीतर के भटकाव से बचना है, क्योंकि अपने में होना होता है। एक सरल उदाहरण से हम बात को समझ सकते हैं। उदाहरण तो केवल उदाहरण ही होता है। जैसे हम रोज रात में सोते हैं, जब तक मन कुछ सोचता रहता है तब तक नींद नहीं आती। ध्यान और नींद दोनों की प्रक्रिया एक ही है। जब तक कुछ भी सोच रहा है मन, अच्छा सोचे तो, बुरा सोचे तो, जब तक चिंतन होता रहेगा मन में तब तक नींद नहीं होगी। नींद कब लगती है? जब मन सोचना बंद कर देता है। सोचना बंद, तुरंत नींद आ गई। ऐसे जब तक सोचते रहोगे तब तक ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? सोचना का बंद हो जाना। उसी कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः। लेकिन ध्यान में पूर्ण जागृति रहती है। ध्यान नींद नहीं है, ध्यान जागृति में भूल जाना है बाहर की बातों को, और नींद में तो सब कुछ भूल ही जाना। तो जब हम सोते हैं रात में और नींद लग गए हमारी प्रगाढ़ निद्रा जिसे हम कहते हैं, तो जब प्रगाढ़ निद्रा लग जाती है, कुछ भी याद नहीं है, कहाँ सोया हूं, बिस्तर पर सोया हूं कि जमीन पर सोया हूं, चटाई पर सोया हूं, कुछ भी याद नहीं है। दुनिया भूली हुई होती है, तब हम अपने आप में होते हैं। और जब अपने आप में होते हैं तो बड़ी शांति रहती है। फिर जाकर कहते हैं आज ऐसी गहरी नींद में सोया कि बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला। क्यों? क्योंकि अपने में थे उस समय। और जैसे जागे दुनिया का ख्याल हुआ तो ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, मुझे ऐसा करना, अब बस हलचल शुरू, क्लेश शुरू, चिंता शुरू, तनाव शुरू, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। और जब तक सो रहे थे तब
क्या काम बिगड़ गया कि बन गया, घाटा हो गया कि मुनाफा हो गया, किसका जन्म हो गया किसकी मौत हो गई, कुछ नहीं है ना, याद ही नहीं है, कुछ नहीं याद होना। जागते जागते होश पूर्वक सब कुछ को भुला देना, ये ध्यान है। और तब हम अपने में होते हैं, होना हमारा अस्तित्व है। लेकिन ये सहज नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। हमारा व्यवहार जितना संतुलित होगा, काम करते हुए भी खेती नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी जो भी काम कर रहे हैं, काम करते हुए भी मन में लोभ ना हो, अमर्ष ना हो, किसी ने कुछ अनुसुहाती बात कह दी तो मन में कोई प्रतिक्रिया ना हो। जितना हमारा मन प्रतिक्रिया रहित होगा, लोभ मोह से रहित होगा, जो मिला उसमें संतुष्ट होगा और सबके प्रणाम कर प्रणाम से सावधानी पूर्वक जीवन जीते हुए मन जब शुद्ध निर्मल होगा तब वो दशा आएगी जब मन कुछ न सोचना, जिसे हम कहते हैं ध्यान की अवस्था, एकाएक नहीं होना है। लेकिन अंतिम में हमें यहीं तक जाना है। सांस देखने का काम जो बताया गया, मन के कार्य करने के लिए यहां से शुरू होकर के हमें पहुंचना कहां तक है, जहां मन कुछ भी सोचना बंद कर देता है वहां तक। अब फिर तब हम अपने में हो जाएंगे, और जो अपने में जी रहा है, अपने में हो गया, उसे दुख किस बात का, जीते जी मुक्ति का अनुभव है, मरने वाले के बाद वाली बात नहीं है। देखो हमारे पास चार चीजें हैं, इंद्रियां हैं, शरीर, मन है, हृदय है, और आत्मा है। उस आत्मा को हम चेतन या जीव कहते हैं। ये चार है। शरीर का जो स्तर होता है, इंद्रियों के स्तर, उसमें करना होता है, आते हैं जाते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, बात करते हैं, खाते पीते हैं, काम धाम करते हैं, ये करना होता है, ये मजबूरी है हमारी। शरीर निर्वाह के लिए, सेवा के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। लेकिन यहां स्थिरता नहीं है, यहां पूर्णता नहीं है, हलचल है। तो शरीर की स्तर पर कर्म है, क्रिया है, इससे ऊपर उठते हैं तब मन है। मन के स्तर पर चिंतन है, सोचना है, याद है, कल्पना है, ये सब चिंतन, स्मरण, याद, कल्पना, ये सब मन का काम है, और इसमें भी स्थिरता नहीं है, यहां भी हलचल है। लेकिन ये सब होता है, ये सब तो हर आदमी को गुजरना पड़ता है। यहां आए हो तो सोचना तो होगा ही होगा,
बिना सोचे तो आए नहीं हैं। कुछ भी काम करना है, भोजन ही करना है, सोचना पड़ेगा। लेकिन यहां भी स्थिरता है नहीं, यहां शांति नहीं है पूरी। इससे ऊपर उठे तब हृदय का स्तर है। हृदय के स्तर पर भावना है, प्रेम है, ईर्ष्या है, क्रोध है, जो भी कुछ कह लो, स्नेह है, आदर है, सम्मान, ये हृदय के स्तर पर होता है। लेकिन ये भी हमारा नहीं, यहां भी करना है एक प्रकार से। इससे ऊपर उठे तब आत्मा, वहां सिर्फ होना है, अस्तित्व है, बस एग्जिस्टेंस मात्र है, वहां पर कुछ नहीं, वही अंतिम स्थिति है हमारी। लेकिन ये कहने में जितना सरल है, करने में उतना सरल नहीं है। लेकिन करने वाले के लिए सरल हो जाता है, न करने वाले के लिए कठिन का कठिन रह जाता है। कोई भी काम हो, करते जाओ करते जाओ, अभ्यास होता जाएगा, सरलता बढ़ती चली जाएगी। न करो, छोड़ दो तो कठिन हो जाएगा। तो अंतिम ध्यान, मन का निर्विषय हो जाना। निर्विषय विषय मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ में शरीर से संसार तक जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, छोटी बड़ी चीजें, सब पदार्थ है और सब विषय है। अब याद हमें इसकी होती, किसकी याद करते हो? बिना किसी पदार्थ का सहारा लिए आप याद नहीं करोगे। कुछ भी सोचो, सड़क, एक लंबा आकार आएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी, सड़क में उबर खाबर है, ये भी सोचोगे कैसे? कुछ सोच कर देखो, बिना किसी सहारा लिए सोच नहीं सकोगे। कोई न कोई पदार्थ आएगा, चाहे मनुष्य आए, गाय घोड़ा आए, पशु पक्षी आए, रुपया पैसा आए, खाने पीने की चीजें आए, कुछ देखे हो वो आए, सुने हो वो आए। सुनोगे किसके बारे में? किसी पदार्थ के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में? तो सब विषय हो गए। और याद नहीं है तब कोई विषय नहीं है। अंतिम ध्यान वह होगा, मन रहेगा, मन है लेकिन चिंतन रहित है। और चिंतन रहित होना, मन यदि है तो मन का होते हुए भी मानो मन नहीं होता है। इसलिए कहा गया है निर्विषय मन। उसको हम कहें तो कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ थॉट्स, विचारों की अनुपस्थिति। लेकिन ये स्थिति कब आएगी? जब हम काम करते हैं ना, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की स्थिति आती है। सब कुछ हमारे मन के अनुकूल तो होता नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी के प्रति राग हुआ, किसी के प्रति द्वेष हुआ, किसी के लिए बैर हुआ, किसी के लिए कुछ और हुआ, मोह हुआ, ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ये सब मन के विकार। काम ऐसा करें, व्यवहार भी ऐसा करना है, अनुकूल प्रतिकूल लोग तो मिलेंगे, किंतु किसी के लिए राग और द्वेष का भाव मन में ना हो,
कोई आदमी गलत है, धीरे से अलग हो जाओ। किंतु उसके लिए मन में द्वेष भाव ना बनाओ। अलग होकर भी द्वेष भाव बना हुआ है, कभी सुख से जियोगे नहीं। उसकी याद होती रहेगी, मन बेचैन हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, फिर कहाँ अपने में रह पाएंगे। जैसे क्रोध आया, हमारी शांति चली गई। साथ में रहना है तो द्वेष नहीं रखना है, अलग हो गए तो भी द्वेष नहीं रखना है, तो राग भी अथवा मोह भी नहीं रखना है, दोनों से ऊपर। इसको हम कहते हैं मन का निर्विकार होना। ध्यान जब अभ्यास में बैठते हैं ना, साधना काल में बैठते हैं और मन शांत हो गया, तो वो हो जाता है मन का निर्विषय अर्थात निर्विचार हो जाना। वहाँ है मन का निर्विचार होना और यहाँ है मन का निर्विकार होना। एब्सेंस ऑफ परवर्शन, एब्सेंस ऑफ पैशन। जब कोई परवर्शन ही नहीं मन में, कोई पैशन ही नहीं है मन में, कौन सा दुख है आपको? काम बढ़िया होगा। तो बात मैंने यहां शुरू की थी, ध्यान क्या है? ध्यान है मन की एकाग्रता, ध्यान है ऊर्जा का संचयन करना, ध्यान है वर्तमान में जीना, और ध्यान है अपने में होना। जब मन एकाग्र है, मन की ऊर्जा व्यर्थ कामों में लगी नहीं है, संचित है, वर्तमान में जी रहे हैं, अपने में है, तो कोई दुख नहीं है। ध्यान कर सकते हैं, ध्यान दुख मुक्त होकर के जीना। ध्यान क्या है? अंतिम ध्यान के बाद छोड़ दें, लेकिन जब हम व्यापकर ध्यान क्या है? दुख से सुख की ओर यात्रा, अशांति से शांति की ओर की यात्रा, मलिनता से निर्मलता की ओर यात्रा, और संसार से आत्मा की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर जो यात्रा है, इसी का नाम ध्यान है। और इसी के लिए हमें अभ्यास करना है। पहले कहा गया था मन को एकाग्र करने के लिए, आगे और सारी बातें आएगी, महात्मा लोग ही बताएंगे, हमारे साथी लोग, संत लोग। घबराना नहीं है, उत्साह से लगना है, और जितने उत्साह से लगेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। पूरे संकल्प के साथ और पूरे साहस के साथ। जल्दीबाजी का काम ये नहीं है, बैठे हो, एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, बैठे हो, मन नहीं रुक रहा है, तो घबराना नहीं है। अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बचपन में प्राइमरी में ये दोहा पढ़ा था, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा, याद होगा। मुलायम रस्सी निरंतर आते जाते कठोर पत्थर को भी काट देती है, ये अभ्यास का फल होता है। कहावत के अनुसार कालिदास जैसा मूर्ख व्यक्ति संस्कृत का महाकवि बन गया। कैसे? अभ्यास, दृढ़ लगन, मेहनत से जब अभ्यास हम करते हैं, पूर्णता आ जाती है। लेकिन अभ्यास, थोड़े समय का अभ्यास से काम नहीं होगा, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, निरंतरता का अभ्यास चाहिए और उत्साह पूर्वक। योग दर्शन में जहां महर्षि पतंजलि ने
चित्तवृत्ति निरोध की बात कही है, कहा है योग चित्तवृत्ति निरोधः। उसमें चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए उन्होंने कई उपाय बताए, कई साधन, और अंत में यह भी कह दिया था यथाभिमत ध्यानद्वा, जिस किसी साधन से तुम्हारा मन स्थिर होता है उस साधन को अपनाओ। लेकिन उन्होंने कहा सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घकाल लंबे समय तक, सप्ताह भर में सोचोगे कि इतने पूरी सफलता मिल जाएगी, हो सकता है मिल भी जाए, न मिले तब इतने नहीं, लंबे समय तक। लंबा समय कितना? अपनी शक्ति के अनुसार होगा। लंबे समय में तो करना है किंतु निरंतर करना है। कोई विद्यार्थी 4 दिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई किया, डूब करके पढ़ाई किया 4 दिन, फिर 20 दिन छोड़ दिया, 20 दिन पश्चात फिर 4 दिन मेहनत से पढ़ाई किया, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन पढ़ाई किया, फिर 1 महीना 1.5 महीना छोड़ दिया। कहा अरे मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ भैया, कुछ याद नहीं हो पाया। कहाँ से याद होगा? रोज बना रोज बिना क्रम टूटे। एक उदाहरण से समझ लो, थोड़ा थोड़ा बस एक एक चम्मच घी रोज खाते रहोगे ना तो शरीर को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, शरीर में चमक आ जाएगी। और सोचे कि रोज क्या क्या घी खाना, थोड़ा थोड़ा महीना भर में घी खाते हैं, उसका लाभ एक दिन में पी लेता हूं तो क्या होगा? बड़ा फायदा होगा ना? फायदा नहीं करेगा, नुकसान कर जाएगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक गाय थी, रोज 2 लीटर दूध देती थी, रोज दोता था, रोज 2 लीटर दूध देती थी, अपना खा लेता था, बाकी थोड़ा बहुत थोड़ी बांट देता था, बेच देता था। 6-8 महीने के पश्चात उस व्यक्ति के यहाँ एक प्रसंग होना था, कोई उत्सव त्योहार आना था, और कहा कि बहुत मेहमान आएंगे, खीर बनानी होगी। और खीर बनाए तब बहुत दूध की आवश्यकता होगी, कम से कम 50-60 लीटर दूध लग जाएगा। इतना दूध कहाँ से आएगा? बाहर से खरीदना पड़ेगा। और 50-60 लीटर दूध खरीदने में तो बहुत पैसा लग जाएगा, इतना पैसा मेरे पास है नहीं, तो करूँ क्या? मेरी गाय रोज दूध, रोज 2 लीटर दूध देती है, 1 महीना नहीं दूंगा ना 60 लीटर दूध बच जाएगा मेरे पास। और परिणाम क्या हुआ? 1 लीटर दूध नहीं आया 1 महीना पश्चात, आएगा क्या? रोज भगवान रोज करना होगा अभ्यास, लंबे समय तक करना है आपको, और निरंतर। एक आपके पास डायरी है, डायरी पढ़ने पढ़ने में एक अक्षर लिख दो, अब 5-10 पेज बाद फिर दूसरा अक्षर लिख दो, कोई समझेगा उसको? एक ही वाक्य लिखो लेकिन पूरा वाक्य एक पेज पर लिखो तो कुछ अर्थ होगा। अब एक वाक्य को आप 100 पन्ने में लिख रहे हो तो मतलब क्या होता है उसका? लंबे समय तक और निरंतर। और तीसरी शर्त क्या है? सत्कार आसेवितो, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। जब हम किसी काम को सत्कार और प्रेम पूर्वक करते हैं ना तो हमारा वो काम हमारे लिए पूजा बन जाता है, फिर सफलता निश्चित होगी। इसलिए घबराना नहीं है, उस साथ साथ प्रेम साथ लगना है, सफलता मिलेगी। समय तो काफ़ी हो गया है लेकिन 7 मिनट के लिए बत्ती बुझा दो, शांत होकर के साथ देखने का अभ्यास करो एकाग्र करने के लिए।
ध्यान शिविर में गुरुदेव जी प्रायः एक मंत्र कहा करते थे, गवाया करते थे, बहुतों को याद होगा। मैं कहूँगा उसके पश्चात आप लोग भी कहेंगे, कहते ही हैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम। थोड़ा उत्साह के साथ गाए आप लोग। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम। अहम का मतलब होता है मैं, शुद्ध जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, चैतन्य जिसमें चेतना गुण हो, जो चेतना गुण से संपन्न हो, ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान जिसका स्वरूप हो, एसेंस ऑफ नॉलेज ज्ञान स्वरूप का अर्थ है, जिस जब जो केवल ज्ञान ही ज्ञान जिसमें हो, ज्ञान का तो कुछ ना हो, वो ज्ञान स्वरूप है। अजर हम, मैं अजर हूँ। अजर का अर्थ होता है कभी जीर्ण न होने वाला, अनडिकेइंग जो हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, कहते अनडिकेइंग अजर, जो पुराना ना हो, जीर्ण ना हो, शीर्ण ना हो, वो अजर है। अमर इमॉर्टल, न मरने वाला। अखंड न टूटने वाला। अनडिजिबल जो कहते हैं वो। अनुप उपमा रहित, विलक्षण यूनिक। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, कभी जीर्ण पुराना न होने वाला, कभी न मरने वाला, न टूटने वाला, सबसे विलक्षण। ये अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का बोध कराने वाला बहुत सुंदर मंत्र है, सरल सा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम।